दोस्तों ये मशीन आया हुआ है रिपेयर करने के लिए। ये सिलाई मशीन जो है टाके को नहीं पकड़ रही है। आइए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये सिलाई मशीन टाका क्यों नहीं पकड़ रही है। आइए देखते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ये जो सिलाई करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये टाका नहीं पकड़ रहा है। अब देखिएगा ऊपर से भी धागा डला हुआ है, देख सकते हैं ऊपर से भी धागा डला हुआ है और नीचे से भी धागा डला हुआ है। बॉबिन में भी धागा है, आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं कि बॉबिन में धागा नहीं है। तो देख सकते हैं ये बॉबिन में भी धागा लगा हुआ है मगर सिलाई नहीं पकड़ रही है। अब चलिए फिर से लगाकर आपको दिखाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप ये सोचेंगे कि हाँ चलिए चेक करते हैं कि धागा क्यों नहीं पकड़ रहा है। तो अब यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, धागा को नीचे से प्रयास करते हैं उठाने का, तो उठ तो गया, देख लीजिए नीचे से धागा आ गया। अब क्या करते हैं, इसको बंद कर दिए और बंद करने के बाद में दोस्तों यहां से इस तरीके से आपको चला के दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये धागा नहीं पकड़ रहा है, देख लीजिए धागा नहीं पकड़ रहा है, देख सकते हैं ये धागा ही नहीं पकड़ रहा है। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आप काफी परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं कि अगर इस तरीके की सिलाई मशीन आपकी धागा नहीं पकड़ रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% इतना जानकारी हो जाएगा कि आप अपनी सिलाई मशीन को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले करेंगे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों सिलाई मशीन रिपेयरिंग से रिलेटेड ढेर सारा वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके घर सिलाई मशीन है तो आपको रिपेयर कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा करवाने के लिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से प्रॉब्लम आता है कि आपका सिलाई मशीन धागा नहीं पकड़ रहा है तो आप ठीक कैसे कर पाएंगे और ये प्रॉब्लम आता क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आता है वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपकी सिलाई मशीन इस प्रकार खराब नहीं होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब यहां से आपको धागा नहीं पकड़ रहा है तो सबसे पहले खोलना है इस चीज को, और ये चीज खोलने के लिए धागा को निकाल दिए हैं और निकालने के बाद यहाँ लिए इसको ड्राइवर और यहां से इस पेज को दोस्तों करते हैं ढीला। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से इस पेज को ढीला कर दिए हैं और इसको इस तरीके से निकाल देना है। देख लीजिए ये निकल गया, दिखाई दे रहा है, आज ये निकल गया है। अब सबसे मेन चीज समझना ये जरूरी है कि ये राड जो होता है सुई का राड, ये चीज हमें चेक करना है कि हमारा ऊपर नीचे ना हो, और पहला नंबर ये चीज चेक करना है ये सुई हमारी ऊपर नीचे ना हो। तो देख लीजिए सुई जो है ये जो यहाँ पे पेच लगा होता है छोटा सा यहां तक आता है तो सुई वहां तक लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, सुई ठीक लगा हुआ है। उल्टा सीधा जो होता है वो भी सीधा ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें समस्या कहां से आ रहा है देख लीजिए, ये चीज हम निकालते हैं यहां से, पहले इसको निकालते हैं समझाने के लिए आपको। देख लीजिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप मशीन को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले समझना जरूरी है दोस्तों। तो देख लीजिए अब ये सुई नीचे जा रहा है, तो यहां पे देख लीजिए शटल के नीचे से आप देखिएगा ये सुई नीचे नहीं जा रहा, यहां तक आके रुक जाता है और सुई जो है थोड़ा सा नीचे ही आना चाहिए, ये शटल के नीचे ही आना चाहिए जब आएगा तब। अब देख लीजिए यहां तक पहुंचता है और यहीं पर रुक जाता है। तो सबसे मेन चीज समझना ये जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। कभी कभी क्या होता है सिलाई मशीन जब सुई तोड़ती है खट से लड़के टूटता है तो ये राड जो होता है ये हल्का सा ऊपर हो जाता है, और जब ये ऊपर हो जाता है तो टाका नहीं पकड़ता है। अब इस राड की सेटिंग कैसे करना है तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपको कर लेना है इस तरीके से राड को, मशीन कैसे घुमा करके सबसे नीचे कर लेना है, और नीचे करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा सुराग दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, और इस सुराग के अंदर एक पेच लगा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, एक मिनट अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए दिखाई दे रहा है, पेच दिखाई दे रहा होगा और वहां पे इसको ड्राइवर लगाने का सुविधा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है, अब इसको निकाल देते हैं कैमरा को इधर, और निकालने के बाद अब यहाँ पे करके और देखिएगा एक लेना है छोटा सा पेचकस और इसके अंदर ऐसे डाल देना है, और डालने के बाद आपको ऐसे चेक कर लेना है कि ये फंस गया या नहीं फंसा। तो देख लीजिए ये इसको ड्राइवर यहाँ पे पेच के अंदर लग गया है, पेच कहाँ होता है इसके साइड में होता है। अब इसको करना हल्का सा ढीला, एक मिनट, इस तरीके से हल्का सा ढीला कर दिए। अब ढीला करने के बाद ये देख सकते हैं किसी भी तरफ घुमा सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ये राड जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करते समय इसके सेटिंग मिलाना है आपको, नीचे करना है इसको, और कितना नीचे करना है मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। यहां से दोस्तों इतना नीचे करना है इस तरीके से, अभी नहीं सेट हुआ है, अभी थोड़ा सा और नीचे करना है, अब ये हो गया। अब देखिएगा यहां पे आपको टाइट करना है, कैसे पता चला, अब यहां से जैसे उंगली लगाएंगे देख लीजिए, देख लीजिए उंगली लगाए हैं तो यहां पे सुई में लग रहा है, तो ये उंगली में दोस्तों सुई चुभे यानी गड़े,
यहाँ से इस तरीके से आपको उंगली लगाना है और ला करके इसमें टच कर देना है, अच्छे से चुप जाए। और इसके बाद में आपको करना है हल्का सा टाइट, और टाइट करके फिर इसके पास अच्छे से टाइट कर देना है। अब देखिएगा ये जो है ये सेट हो गया है, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलिए इसको हम चला कर दिखाते हैं कि क्या ये एक ही काम करने से ये सिलाई मशीन ठीक हो गया है। कुछ लोग इतने ही काम के लिए पूरी सिलाई मशीन को खोल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब लगा के दिखाते हैं आपको। यहां से क्या करना है, इसको पेज को लगा लेना है, और पेज को लगाने के बाद इसको ड्राइवर से इसको टाइट कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से टाइट कर दीजिए। और टाइट करने के बाद अब लगाते हैं धागा, इस तरीके से आपको धागा डालना है, और आप तो जानते ही हैं। और इसके बाद इसको लगा देना है। अब चलिए ऊपर से धागा लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये सिलाई मशीन टाका पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। दोस्तों यहाँ से फिर धागा डालना है, और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा हमारा वीडियो देख रहा है अच्छे से समझ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों, शेयर भी करिएगा। और दोस्तों धागा डाल देते हैं, और यहाँ से अब टाका को उठा लिए हैं, देख लीजिए धागा ऊपर आ गया। अब इसको हम सिलाई करके दिखाते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सिलाई मशीन अब टाका पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ से इस कपड़े को लगाते हैं, छोटे से टुकड़े को कपड़े को, और यहाँ से इस तरीके से चला करके, और फिर मैं आपको सिलाई करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए ये कितने अच्छे से धागा पकड़ रहा है, और इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए छोटी सी गलती अगर आप करते हैं दोस्तों, तो इसके वजह से काफी नुकसान में आ जाते हैं। देख सकते हैं टाका एकदम अच्छे से आ रहा है, आपको दिखाने का प्रयास में कर रहा हूँ। और इसके नीचे से देखेंगे तो ये भी टाका ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर दोस्तों आपका सिलाई जो करते हैं तो पीछे के साइड में ढेर सारा धागा निकाल के रख देता है, और एक साथ धागा खींचते हैं निकल जाता है, यानी कि धागा उठा उठा आता है, लच्छी मारता है। तो दोस्तों इसके लिए इसी वीडियो पर एक छोटा सा वीडियो आएगा, उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा। उस वीडियो में आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कि अगर धागा आपका लच्छी मार रहा है, ढीला ढीला सिलाई दे रहा है, तो उसको सेटिंग कर सकते हैं इसी वीडियो को देख करके, इस वीडियो के लास्ट वाले वीडियो को। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।